मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मेरे बर्थडे के पहले, मेरा बर्थडे है 19 मई को, तो मेरे बर्थडे के पहले। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमन शर्मा, स्वागत करता हूँ आपका शर्मा जी के ब्लॉग्स में। तो कैसा लग रहा हूँ? ओपी बोलते तो समझ, डॉक्टर नहीं बना हूँ मैं, गलत जगह पे मत जाना, आई एम नॉट डॉक्टर। सो आज हमारे सोसाइटी में COVID-19 या फिर जिनको भी जो भी तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों को लेके हमारे सोसाइटीज़ के डॉक्टर्स ने, हालांकि मेरे चाचा जी ने क्या क्या किया है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो डॉक्टर नहीं हूँ मैं, गलत मत समझना। ये देखो, देख रहे हो बंदे टैलेंटेड है। तो फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसा है, हमारे पीछे लोग हैं और एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ही किया जा रहा है। तो मैं आपको मेरी फ्रेंड से मिलाता हूँ जो कि फ्यूचर डॉक्टर है, ठीक है? तो आइए जरा प्लीज़। तो कैसे हो, क्या चल रहा है? इसमें हमारा मेडिकल काम चल रहा है जिसमें हम हमारी सोसाइटी मेंबर्स का चेकअप कर रहे हैं। ना टैलेंट यार, हमें टैलेंट ही नहीं है, इधर लोग किए जा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते चाचा, नमस्ते। हेलो। तो चाचा कुछ बताइए आप। हम लोग अपने सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं जिसके अंदर सबका टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर विथ शुगर चेक करके पता कर रहे हैं, किसी को कोई प्रकार की बीमारी तो नहीं है या किसी को कोई तकलीफ है तो उनको उस प्रकार से सजेशंस वगैरह दे रहे हैं। ये हमारे सोसाइटी के सभी सदस्यों के सहयोग से हो रहा है। सर प्लीज़ कुछ आप प्लीज़ आमच्या मेंबर लोकांनी, ॲक्टिव्ह मेंबर लोकांनी जे सजेशन दिलं होतं ते सजेशन आम्ही मान्य केलं आणि आम्ही डॉक्टरनी ठरवलं की सोसायटीला ऑपरेशन करायचं, कारण ते आपलं घरच आहे। त्याप्रमाणे आम्ही केलं जी की स्क्रीनिंग कोविडसाठी लागते, स्क्रीनिंग टेस्ट, त्यामध्ये आम्हाला टेम्परेचर करतो आहे, ऑक्सिमेट्री करतो आहे आणि डायबिटीक हाय रिस्क केसेस आहेत। त्यामध्ये आम्हाला समाधान वाटलं की ज्यांना कोणाला काहीही माहीत नव्हतं तर त्यामध्ये डायबिटीकच्या केसेस डिटेक्ट व्हायला लागल्या, त्यामुळं कमीत कमी त्यांना मार्गदर्शन करू शकतो। ज्यांना की माहीत नव्हतं त्यांना तो आजार आहे, निदान ते इथून कुठंतरी ट्रीटमेंट घेऊन त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतो। थँक्यू सर, थँक्यू। चलो फिर मिलता हूँ मैं। और सोसाइटी के सारे मेंबर्स प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे अंकल आप? हमारे सोसाइटी में ये जो कैंप का आयोजन किया गया है जहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, ऑक्सीजन टेस्ट हो रहा है और ब्लड शुगर चेक हो रहा है, अगर आपको ये फैसिलिटी आपके घर के नीचे ही मिल रही है कहीं पर जाए बिना, अगर आप बाहर की सिचुएशन देखेंगे सारे डॉक्टर्स पैथोलॉजी लैब काफ़ी बिजी है, जो दे कैन सर्व सो मच टू यू जस्ट फॉर द कैंप पर्पज। अगर हमारे सोसाइटी में डॉक्टर जीजी वाघ है, डॉक्टर विजय शर्मा है, डॉक्टर वाक्सर है और उनकी डॉक्टर, उन्होंने सामने से कंसेंट दे के ये कैंप का ऑर्गेनाइज किया है, और भट्ट अंकल और हमारे बाकी मेंबर्स हैं, मीत सरवैया है, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिसका सारे सोसाइटी मेम्बर्स को काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। तो हमारी सोसाइटी में प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके हर चीज़ें चल रही है। अगर आपके सोसाइटी, आपके एरिया में ऐसा कुछ भी चल रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं चल रहा है तो आप लोग ने क्या इनिशिएटिव लिया है वो भी हमें बताओ। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सलाम वालेकुम दोस्तों। छोटा सा ब्लॉग है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मेरे बर्थडे के पहले, मेरा बर्थडे है 19 मई को, तो मेरे बर्थडे के पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है? देखो मैं भगवान बन गया हूँ, तुम लोगों के लिए भगवान बन गया हूँ।